आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। केंद्र सरकार ने 28 फरवरी तक बढ़ाए कोरोना संबंधी प्रतिबंध। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को पत्र लिखकर दी सलाह। सरकारी नौकरियों में SC ST का प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। देश में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 के बढ़ रहे मामले। वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए खतरा ज्यादा। पीएम मोदी NCC रैली को किया संबोधित। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में हुआ कार्यक्रम। स्कूल कॉलेज सहित दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की तैयारी। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के साथ शुरू की चर्चा। यूपी में कांग्रेस को लगने जा रहा फिर से झटका। समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं राजबब्बर। बसपा ने जारी की 53 उम्मीदवारों की सूची। अखिलेश शिवपाल के खिलाफ उतारा SC प्रत्याशी। चुनाव से पहले सपा MP आजम खान को लगा बड़ा झटका। खारिज हुई जमानत अर्जी। यूपी में अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चेतावनी। सबसे ठंडा जिला फतेहगढ़ रहा। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी। हर साल 10 लाख नौकरी जैसे कई लुभावने वादे। वॉशिंगटन के होटल में चली ताबड़तोड़ गोलियां। फायरिंग में एक की मौत, 4 जख्मी। यूक्रेन के मसले पर अमेरिका ने बुलाई UN सुरक्षा परिषद की बैठक। अमेरिका और रूस में तनाव और बढ़ा। UAE से भारत के 13 शहरों के लिए हवाई किराया सस्ता। एयर अरबिया ने टिकट के दाम किए कम। बलूचिस्तान में चेक पोस्ट पर बड़ा आतंकी हमला, 10 जवानों की मौत। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी शियोमारा कास्ट्रो। शपथ ग्रहण समारोह में कमला हैरिस भी रही मौजूद। 135 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई श्रीलंकाई टीम। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान। टेस्ट में टीम इंडिया की कप्तानी करना चाहते हैं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। कहा किसी जिम्मेदारी के लिए तैयार। भारत हॉकी टीम में 2 नए खिलाड़ी शामिल। मनप्रीत सिंह करेंगे कप्तानी। रिकॉर्ड कीसवे ग्रैंड स्लैम में से 2 कदम दूर राफेल नडाल। सेमीफाइनल में इटली के बैरेटिनी से मुकाबला। रणजी ट्रॉफी को अब 2 चरणों में आयोजित करने की योजना। कोविड-19 के कारण करना पड़ा स्थगित। ऑन स्क्रीन बेटी मोनी रॉय की शादी पर भावुक हुई स्मृति ईरानी। लिखा इमोशनल पोस्ट। वाई आई किल्ड गांधी की OTT रिलीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। नफरत फैलाने का लगा आरोप। हिंदी बेल्ट में 100 करोड़ के पड़ाव पर पहुंचने वाली है अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज।
जुबिन के नए गाने में दिखा गुरमीत और अर्जुन बिजलानी की दोस्ती की कहानी। तीन साल में तैयार हुआ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सपनों का घर, पिता की याद में दिया नाम। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।